चलो भाई, ये लो पापड़ लोगे। सुनो, मैं क्या सोच रही थी, आज एक ऐसा सवाल पूछो जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े। कहां से लाऊं इतने सवाल? कोई सवाल नहीं है भाई, इंसान हूं मैं भी। तुम्हारे पास ना बहुत सारे सवाल है, जैसे जादूगर के पास वो कबूतर होते हैं ना, कहीं से भी उड़ा देता है, ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल है। पूछो नहीं है कोई सवाल पूछो। नहीं। देखो लेकिन ऐसा पूछना कि मतलब मैं सुनते ही जवाब दे दूं, आसान हो, बिल्कुल आसान सा। चल ठीक ठीक है, है ये देख, 1 2 3 4 5 6, 6 दुकानें हैं पटाखे की, दिवाली का टाइम है, 6 दुकानें हैं पटाखे की, ठीक है। और दूसरी दुकान पे आग लग गई, पहली छोड़ के दूसरी दुकान पे आग लग गई, और इधर से हवा चल रही है, इस साइड से आगे भी दुकानें बची है, एक पीछे है, ठीक है। तो बता पहले एम्बुलेंस किधर से आग बुझाएगी? इधर की हवा चल रही है। इधर की हवा चल रही है, हाँ तो उधर से ही बुझाएगी, पहली दुकान पे खड़े होकर के। तेरे बस की कुछ नहीं है। यार उधर की हवा चल रही है तो उधर से ही तो बुझाएगी, इधर से बुझाएगी तो। ये वीडियो दोबारा सुन लेना, तुझे आंसर मिल जाएगा, और अपने घुटनों की मसाज कर। मम्मी इनको कहिए ना मुझे गाड़ी चलाना सिखा दे, सोसाइटी में सभी औरतों को गाड़ी चलानी आती है, बस मुझे ही नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं भाऊ, गाड़ी में कोई सीखने की चीज है? ऐसी चीज सीख जो किसी को ना आती हो। बैगन। क्या बताओ क्या मम्मी जी? ऐसा अभी पता चलेगा, चुप रहना। मजा आया। बहू मैं राशन लेने जा रही हूँ, बता दे बेटा क्या क्या चीज मंगवानी है। मम्मी एक तो चाय पत्ती लानी है। बेटे चाय पत्ती पिछले महीने लाई थी 1 किलो। अरे मम्मी सर्दी थी, ठंड में पता 4-4 5 बार चाय बनी है। बात तो सही है। चलो ठीक है, और चीनी लानी है। ले चीनी 5 किलो लेके आई थी पिछले महीने। अरे मम्मी गाजर का हलवा देखो कितनी बार बनाया सर्दी में। बात तो सही है। अच्छा ठीक है, और कुछ? और घी लेके आना है। 1 किलो घी लेके आई थी पिछले महीने में। मम्मी जी वो क्या हुआ ना, एक दिन मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो मैं सोची पानी तो क्या ही पीऊंगी, तो मैंने घी का ढक्कन खोला और गटक 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 सारा घी पी गई। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। कुछ भी खाओ मत, बस सूंघ सूंघ के रख दो। अब अपना प्यार वो पहले जैसा नहीं रहा ना। एक टाइम वो था शाहजहां और मुमताज का, बताओ अगले बंदे ने उसके लिए ताजमहल भी बनवा दिया और मजदूरों के हाथ भी कटवा दिए। पुराने जमाने का प्यार है भाई वो। चल छोड़, चाय कैसी बनी है? आज बड़े दिल से चाय बनाई है मैंने। ए मत पूछ यार। क्यों बताओ ना, बताओ। अगर यही वाली चाय मुमताज ने बनाई होती शाहजहां के लिए, तो वो मजदूरों के साथ साथ उसके भी हाथ कटवा देता, मैं बता रहा हूँ। क्या बात हो गई, आज बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं बस यार, ऐसे। आज सवाल नहीं पूछोगे? आज कुछ नहीं, आज मन उदास है। क्यों उदास है, क्या हो गया? अरे बस ऐसे यार। चलो एक सवाल पूछो, फिर उदासी ठीक हो जाएगी। अरे तू जवाब दे नहीं पाती है सवाल का, फिर खाली मेरे को परेशान होना पड़ता है। चल बेइज्जती में ही सही, हंसी तो आती है ना। हर बार तेरी बेइज्जती हो रही है, हर बार। अरे कोई बात नहीं, पूछो। आज पूछ, आज नहीं बेइज्जती करने दूंगी, आज तो बिल्कुल सही जवाब दूंगी, पूछो। है? दो हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? दो हाथ में 10। अगर दो हाथ में 10 उंगलियां होती हैं तो बता 10 हाथ में कितनी उंगलियां होंगी? दो हाथ में 10, तो 10 हाथ में 10, 10 × 10 100। हो गई उदासी दूर? कर ले, करा ली बेइज्जती। क्यों? 10 हाथों में 50 ही तो होंगी, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5, तो 10 हाथ में कितनी हुई? 50, 100 कहां से हो गई? मैंने कहा था मत पूछ, मत पूछ कुछ। यार ये ना मेरे सवाल। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी मेरे लिए ना शादी के 2 रिश्ते आए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे शादी करूं, आप ही बताइए बाबा जी कि मैं पहले वाले लड़के से शादी करूं या दूसरे वाले से, कौन होगा वो किस्मत वाला? पहले वाले से आपकी शादी होगी और दूसरा वाला किस्मत वाला कहलाएगा। <ये दिवरे। laughs>